लेके आए हैं गूगल क्रोम कास्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि सारे जो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इससे डायरेक्टली हम टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं और टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। और ये 1080 HD, ये देखिए 1080 का है, फोर के वाला नहीं है, इससे आगे 4K वाला आया हुआ है लेकिन अभी मार्केट में, हमारे इधर मार्केट में नहीं मिल रहा है, इसको अभी US में है तो, लेकिन ये हमारे टीवी के लिए इतना काफ़ी है। इसमें हम YouTube, Netflix, Hulu, HBO कितने सारे चैनल्स को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं खोलता हूँ और देखता हूँ कि अंदर है क्या। तो ये है क्रोमकास्ट, गूगल क्रोमकास्ट, बिल्कुल बढ़िया छोटा सा डिवाइस है। इसको टीवी में, ये HDMI पोर्ट है इसका, HDMI पोर्ट हम इसको टीवी में लगाएंगे और इसको पावर देंगे। उसको पावर के लिए के अंदर, इसका पावर केबल इसके अंदर है। गुड, अब हम इसको पावर देंगे। काफी लंबा है, अराउंड 1.5 meter है, सही है। वैसे हम इसको सीधा टीवी में लगाएंगे। इसके साथ एक पावर अडाप्टर आया है, जो चाहता है बाहर से पावर देने के लिए लगा सकता है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये US का पिन है तो इसके लिए एक कन्वर्टर चाहिए। साथ में एक लेट्स गेट स्टार्टेड और बी सेफ वारंटी कार्ड है और गेट स्टार्टेड का आया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब मैं इसको लगाऊंगा इसमें, ये एक गया और ये आवाज किया टक, अब ये परफेक्टली इसके अंदर चला गया। ओके, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ टीवी में लगाने के लिए। इसको मैं थोड़ा किसी टाइम में टाइट कर दूंगा इसको बाद में। अब क्रोमकास्ट हमने लगा दिया है टीवी में और टीवी ऑन किया, उसका HDMI 2 में लगाया था। अब क्रोमकास्ट बता रहा है कि गेट द ऐप, तो मैं अपनी मोबाइल पे अभी जो ऐप है वो मैं डाउनलोड किया है और वो ऐप है गूगल होम। गूगल होम ऐप को मैंने खोलना है, इसको मैंने डाउनलोड कर दिया है। तो अब ये गूगल होम मुझे बोल रहा है कि गेट स्टार्टेड, सो मैं गेट स्टार्ट करता हूं। होम निकनेम एक देना पड़ेगा, योर होम निकनेम हेल्प यू आइडेंटिफाई योर होम, द एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक डायरेक्शंस, होम निकनेम लाइक। अब क्रोमकास्ट फाउंड, आप देखो अभी क्रोमकास्ट इसको मिल गया है। तो अभी टीवी में मुझे इसको करना है, तो मैं सेटअप क्रोमकास्ट फाउंड, सेटअप ए डिफरेंट डिवाइस, नो ये इस करके आगे बढ़ता हूँ, कनेक्टिंग टू क्रोमकास्ट ये बता रहा है। अब मेरा देखो टीवी में एक कोड दिया है P5S5, अब ये P5S5 इधर आना चाहिए, तो देखते हैं अगर इसमें आ रहा है तो समझेंगे क्रोमकास्ट को मिल गया। ये बता रहा है अब कनेक्टेड,
ओके देखिए सेम नंबर आ गया P5S5। सेटअप द कोड ऑन योर टीपी। मैं यस करता हूं, यस आई एम इन। दिस क्रोम कास्ट वॉज मैन्युफैक्चर्ड फॉर डिफरेंट कंट्री एंड मे नॉट बी कंपेटेबल विथ योर वाईफाई नेटवर्क। प्रोसीड। व्हेयर इज द डिवाइस? मेरा डिवाइस बेडरूम में है, तो मैं बेडरूम को क्लिक करके आगे बढ़ गया। फिर कंटिन्यू। और मेरा जो नेटवर्क है, मेरा वाईफाई है, मैं उसको कनेक्ट किया। रिमेम्बर, ओके। अब देखो आप कि अब वो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग टू वाईफाई। अब एक बार कनेक्ट हो गया तो इमीडिएटली ये पहली पहली बार अपडेट करेगा क्रोमकास्ट को। अभी अपडेटिंग 100% होने जा रहा है। एक बार अपडेट हो जाएगा तो ये रीस्टार्ट करेगा। अब ये रीस्टार्टिंग देखिए, ये रेडी हो गया है क्रोम का। अब ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट डन, फिनिश द सेटअप। तो मैं अभी अपनी मोबाइल में देखता हूँ कि सेटअप फिनिश। अब ये देखो कितना सुंदर सा ये आया है वॉलपेपर। ऑलमोस्ट डन, वाईफाई डिवाइस बेडरूम कंटिन्यू। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेडरूम टीवी इज रेडी, सो कंटिन्यू। चूज ए सैंपल क्लिप टू रन हाउ टू कास्ट। वाओ। अब मैं जाता हूँ सपोज एक यूट्यूब का एक वीडियो, कोई एक वीडियो बोल रहा है कि इसको कास्ट कैसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये कास्ट हो जाएगा। कास्ट के लिए पूछ रहा है कि बेडरूम बीटी टीवी आ रहा है, कास्ट उसके ऊपर कर लो। तो अभी देखो ये चल गया।